अश्वमेध माली क्षेत्र में बनेंगे दो नए विक्षोभ। विक्षोभों की वजह से कुछ जगह हो सकती है बर्फबारी। जम्मू कश्मीर और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अनेक जगह होगी बरसात। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार। मध्य भारत में गिरेगा रात का पारा, तापमान में आ सकती है 2 से 3 डिग्री की कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ और कैसे रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेंगे दो नए पश्चिमी विक्षोभ। 13 और 16 मार्च को विक्षोभ बनने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। 14 और 17 मार्च के बीच कुछ जगह हो सकती है बर्फबारी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। गांगेय पश्चिम बंगाल में बिजली के चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं, साथ ही ओले भी पड़ सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं कहीं बिजली के चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। बिहार और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अंदेशा है। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में आ सकती है कमी। तीन चार दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट का अनुमान है। आइए बढ़ते हैं आगे। पूर्वी भारत में बरसात का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां अच्छी खासी बरसात होगी। देश भर में अगले दो दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को कुछ जगह जबकि रविवार को अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले दो दिन कुछ हिस्सों में बारिश होगी। दूसरी ओर पंजाब में रविवार को कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में शनिवार को कहीं कहीं बादल बरसेंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में अगले दो दिन मौसम साफ रहेगा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में शनिवार को बारिश होगी। इसी तरह गांगेय पश्चिम बंगाल में भी शनिवार को छिटपुट बरसात का अनुमान है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में शनिवार को अनेक स्थानों पर जबकि रविवार को बहुत सी जगह बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले दो दिन अनेक स्थानों पर पानी बरसेगा। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन कई जगह बरसात हो सकती है। मध्य भारत पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में शनिवार को कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अभी बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। पश्चिम भारत के गुजरात में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी मौसम साफ रहने वाला है। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी अभी बरसात नहीं होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल में दो दिन कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन छिटपुट बरसात होगी, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में दो दिन बारिश का अनुमान नहीं है। तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। लक्षद्वीप में दो दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। जी हाँ, तो अभी आपने देखा कि आने वाले दो दिनों में देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बरसात हुई है। आइए नजर डाल लेते हैं देश के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश।
पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह बारिश हुई। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बरसात देखी गई। इस दौरान राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गिनी चुनी जगह बारिश हुई। वहीं अरुणाचल प्रदेश के भी अनेक हिस्सों में बादल बरसे। असम और मेघालय में कद्दूका स्थानों पर बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छिटपुट बारिश हुई। इसके साथ ही उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक जगह बारिश हुई। इसके अलावा गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में भी कहीं कहीं पानी बरसा। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप में बहुत सी जगहों पर बरसात हुई। साथ ही तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी छिटपुट बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का इलाकों में बारिश हुई। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तापमान की और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान का हाल क्या रहा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इस दौरान झारखंड में अधिकतर स्थानों पर, जबकि बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। वहीं इस दौरान गुजरात के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। इसके विपरीत उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। वहीं देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो हाल रहा अधिकतम तापमान का, ये जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। बिहार में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं पंजाब और पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी अनेक जगह ऐसा ही तापमान दर्ज किया गया। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इस दौरान उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके अलावा गुजरात और मराठवाड़ा में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। इसके विपरीत रायलसीमा में अनेक जगह, जबकि तमिलनाडु और तेलंगाना में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला और गुजरात के बलसर में 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बैंगन की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। EIC है ना, भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी बहुत से जगहों पर कटाई और सिंचाई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। कई फसलों की बुआई भी समय चल रही है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मसूर और काबुली चने की कटाई करें किसान, इसी तरह सरसों और अलसी की कटाई कर लें। सूरजमुखी की कटाई भी इस समय यहाँ के किसान कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली की बुवाई करते रहें। यहाँ पर गन्ना और मक्का की बुवाई भी कर लें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें और जरूरत के हिसाब से सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा गेहूं के खेतों में सिंचाई कर सकते हैं किसान। मध्य प्रदेश में ही मूंग की तैयार फसल की कटाई कर लें। इस समय भिंडी और करेली की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ लौकी और कद्दू की बुआई के लिए भी खेत को तैयार कर लें। मध्य प्रदेश में बैंगन की रोपाई का समय चल रहा है, साथ ही लाल मिर्च की भी रोपाई करते रहें। अभी अमरूद के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालने का कार्य करें। इसके साथ ही काबुली चना में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। यहाँ सूरजमुखी के खेत में सिंचाई करें। मूंग की बुवाई कर लें। मूंग के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में मक्के में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के के खेत में निराई का भी काम करें। किसान सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। छत्तीसगढ़ में तोरी की तुड़ाई कर सकते हैं किसान। इसके अलावा लोबिया की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में बैंगन की बुआई की जा सकती है, तो क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों के खतरे से फसल को कैसे बचाएं? ये जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। मार्च में बैंगन की बुआई की जा सकती है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की एक हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुवाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुवाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। जहाँ तो अभी आपने विस्तार से जाना बैंगन की खेती किस तरह से कर सकते हैं। और अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है। यहाँ मौसम के अनुसार किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए, आइए नजर डाल देते हैं। आंध्र प्रदेश में किसान मूंग और उड़द की बुआई इस समय कर लें।
बाजरे की बुआई के लिए भी ये समय उचित है। आंध्र प्रदेश में अरहर की तुड़ाई कर ले। मक्का के खेतों की देखभाल करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान के खेतों से घास फूस निकाल लें। पपीते की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की रोपाई इस समय कर सकते हैं। अभी गन्ने के खेत में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गन्ने में कीटनाशक का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खेती करें। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ, देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता पोता पोता, दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई ना कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं कि मौसम के लिहाज से केरल के किसान इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। केरल के किसान धान की रोपाई इस समय कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में धान के खेत से खरपतवार निकाल लें। अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। केरल में काली मिर्च और कॉफी की तुड़ाई करें। खीरे की बुआई करने का ये उचित समय है। केरल में नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। केरल में केले के खेत में निराई कर सकते हैं। केले में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। और आइए बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेंगे दो नए पश्चिमी विक्षोभ। 13 और 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। 14 और 17 मार्च के बीच कुछ जगह बर्फबारी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, साथ ही ओले पड़ने के भी आसार हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बिहार और ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बिजली के चमक के साथ तेज हवाओं का अंदेशा है। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में आ सकती है कमी। 3-4 दिनों के दौरान तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड संपन्न भारत।